रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है, कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। लोकसभा सीटों पर गठित किए गए हैं कोऑर्डिनेटर, हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर गठित, ये बड़ी खबर। राजस्थान में भी ये नियुक्तियां जो है कोऑर्डिनेटर्स की वो की गई है, कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा सीटों पर गठित किए गए कोऑर्डिनेटर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के 10 लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर्स गठित, तो बड़ी खबर। राजस्थान में भी नियुक्तियां जो है कोऑर्डिनेटर्स की सभी लोकसभा सीटों पर वो कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर फिलहाल कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति है वो यहां पर कांग्रेस ने कर दी है। हरियाणा के 10 लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर गठित किए गए हैं, राजस्थान में भी नियुक्ति की गई है, कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीटों पर गठित किए गए कोऑर्डिनेटर्स, ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के 10 लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर गठित किए गए हैं, नियुक्तियां की गई हैं, तो कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है, कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्तियां कर दी है सभी लोकसभा सीटों पर, खासकर राजस्थान और हरियाणा में? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर रही है और अब जो है अलग अलग राज्यों के लिए लोकसभा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, अम्बाला से भीम सिंह मेहता, कुरुक्षेत्र से जगवीर मलिक, शेरशाह से संपत सिंह, हिसार से चक्रवर्ती शर्मा, करनाल से नील बत्रा, सोनीपत से रामकिशन पूर्जी, इसके अलावा रोहतक से राव नरेंद्र सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से बजरंग दास, गुरुग्राम से बीएल शर्मा और इसके अलावा कई जमात से आफ्ताब अहमद के कोऑर्डिनेटर जो है नियुक्त किया गया है। ऐसे में कांग्रेस अब लगातार जो है लोकसभा चुनाव के संबंध में तैयारियां जो है पुख्ता कर की नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अलग अलग कमेटीज है जिसमें बोरियों कमेटी की बात की जाए, स्क्रीन कमेटी की बात की जाए, ऐसी तमाम जो कमेटीज है वो कांग्रेस की तरफ से जो है नियुक्त की गई थी। ऐसे में हरियाणा में इस बार जो हमने देखा था कि किस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी जीतती हुई जो है नजर आई थी, तो ऐसे में हम जो है जो इस तरीके के नतीजे ना, इसलिए कांग्रेस जो है कदम आगे बढ़ते हुए अलग अलग कमेटी का गठन जो है करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल 10 की 10 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेटर है वो जो है कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।